बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का एक अजीब व गरीब किस्सा लिखा है, इससे पता चला जो मुज्तहिद है मुज्तहिद उसकी शान ही अलग है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के पास एक मसला आया, एक खातून आई कहा कि एक शख्स आया कहा कि मेरी बीवी जो है उसके अब बच्चा हुआ है, छोटा बच्चा है, अब उसको दूध पिलाती है, दूध पिलाती है उसको। अब जब दूध पिलाती है तो अब वो बस औकात जो है वो दूध पिलाने की वजह से उसका पेट भरता नहीं, मज़ीद कुछ खाना चाहता है। अब वैसे बच्चे को खिलाए तो खा नहीं सकता, मुंह के अंदर अगर चबा के खिलाएं तो बीवी का रोज़ा है, तो बीवी ये चाहती है कि मुंह के अंदर चबा के उसको नरम करके अगर उसके मुंह में डाल दिया कर तो उसकी भूख जो पूरी हो जाएगी, दूध के साथ साथ कुछ रोटी भी उसके पेट में चली जाएगी। अब क्या इस चबाने के साथ और उसको उस खिलाने से रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं, ये मसला पूछा। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला फरमाया कि नहीं, अगर उसको चबा के नरम करके उसके मुंह में डाल देती है तो उसमें कोई मुजाका नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा। एक दूसरी खातून आई उसी वक्त, कहा जी मेरा शौहर बड़ा अखड़ है, वो नमक थोड़ा सा तेज़ हो जाए या कम हो जाए लट उठा लेता है। अब मैं खाना पकाती हूँ बड़ी एहतियात से, गैर रमज़ान में तो आसान था चख लेती थी, अब रमज़ान में मैं चखूँ तो कहीं ये रोज़ा ना टूट जाए, तो क्या वो थोड़ा सा शोरबा चखे थूक दूँ ताकि शौहर की तसल्ली रहे और उसकी तरफ से कोई डांट पड़ने का अंदेशा ना हो, तो क्या इस करने से रोज़ा टूट जाएगा? फरमाया कि रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, चले गए शागिर्द बैठे हैं। अब ज़ाहिर वो शागिर्दों की तो शान इज्तिहाद की जो है वो तरबियत हो रही है, शागिर्द पर हज़रत ये आपने जो मसला बताया है ये किस कुरान की ऐसे बताया, कहाँ से बताया, हदीस से बताया? आप फरमा कुरान से बताया, कुरान से बताया। अब ज़ाहिर है कि मुज्तहिद की पहली शर्त तो हाफ़िज़े कुरान होना है, और सारे हुफ़ाज़ थे, वो हैरान हुए कि पूरा कुरान तो हमने भी पढ़ा है, कुरान में ही मसला कहाँ है? इमाम साहब कहते कुरान, कहते मैंने कुरान से बताया। अच्छा हजरत हमें तो समझ में आया कुरान से कैसे बताया? फरमा कि यह तुमने नहीं पढ़ी, कुलु व शरबू हत्ता या तबैन मिल खैतल अबियद मिल खैतल अस्वद मिल फजर। जी हाँ पढ़ी है, खाओ पियो सुबह सादिक तक, तो ये तो पढ़ी है मैंने, लेकिन इसके अंदर ये मसला यहाँ कहाँ है? कहा कि इसी से मसला निकाला है। तो वो बड़े हैरान हुए, अच्छा इसका क्या मतलब? अब देखो ये मुज्तहिद का इज्तिहाद, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कमाल। फरमाया के देखो इसके अंदर फरमाया के फजर तक खा पी सकते हो। अब एक शख्स फजर तक खा रहा है, पी रहा है, खा रहा है फजर तक, ठीक, फजर गोया कि वो हद है, इसके बाद खाने पीने की इजाजत नहीं है। अब उस शख्स ने बीवी से जिमा किया, रात को गुसल नहीं किया, गुसल नहीं किया और उसके बाद सहरी का वक्त हो गया, सहरी खाई, क्योंकि गुसल तो नमाज के लिए शर्त है, रोजे के लिए शर्त नहीं है ना। आप जुनबी हालत में इफ्तारी और सहरी कर लें, रोजा तो आपका हो जाएगा। अब उसने कहा कि उसे सुबह सादिक तक खाया पिया और रोजा रखने के लिए गुसल शर्त नहीं था, उसे जुनबी हालत में रोजा रख लिया। अब फजर हुई तो नमाज फर्ज हुई, नमाज फर्ज के लिए अब गुसल जरूरी है। अब जब गुसल करेगा तो रोजे की हालत में करेगा ना, रोजा क्योंकि फजर हो चुकी है, अब रोजे की हालत में गुसल करेगा और गुसल के अंदर कुल्ली करना फर्ज है, कुल्ली करना रोजे में फर्ज है, और अल्लाह ने पूरी दुनिया के पानियों का जायका अलग अलग रखा है, कहीं कड़वा पानी, कहीं मीठा पानी है, कहीं तुर्श पानी, कहीं खट्टा पानी, हर तरह। अब एक शख्स ऐसी जगह पर जहां पानी कड़वा है, अब वो कुल्ली जो करेगा तो कड़वे पानी से करेगा ना, एक जगह खट्टा पानी वो खट्टे पानी से करेगा, एक जगह खारा पानी है वो ज़रा खारे पानी से करेगा, एक जगह मीठा पर मीठे पानी से करेगा। तो पानी तो पूरी दुनिया में जमीनों के मुख्तलिफ हैं, और कुल्ली करना फर्ज है, वो करनी करनी, उसे मुंह में डालना ही डालना पानी। अब जब वो खट्टा या खारा पानी मुंह में डालेगा तो उसका जायका मुंह में आएगा या नहीं, और वो जायका धूप के साथ मिलकर हलक में जाएगा या नहीं,
तो रोज़ा टूटेगा या नहीं? नहीं टूटेगा, कुरान की नस है, नहीं टूटेगा। क्यों? कि वह गैर इख्तियारी तौर पर इतना पानी का ऐसा जायका तो जाना ही जाना है, लेकिन रोज़ा फासिद नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरीके से यहां से मैंने यह मसला निकाला कि जब वो खातून ने शोरबा थोड़ा जबान पर रखा, चखा, क्या नमक ठीक है, उसके थूक दिया। अब हल्का फुल्का अगर थोड़ा बहुत जायका उसके अंदर थूक में मिल गया, फरमाया कि कुरान की नस है कि रोजा फासिद नहीं होगा। या इस तरह उसने लुकमा चबाया, चबा के उसके बाद बच्चे के मुंह में डाल दिया, बाकी उसे थूक दिया, लेकिन खास उसके ग्लैंड के अंदर को खास एक जायकी का एक जो फीलिंग आ गई, तो ये तो गुसल के वक्त भी आएगी ना। वहां जब रोजा नहीं टूट रहा तो यहां कैसे टूटेगा? इसको कहते हैं मुश्तहिद का कमाल। तो शागिर्द हैरान हो गया कि हजरत कमाल है, कहां से कहां आपने मसला निकाला है, बात समझ में आ गई। इसलिए फुका जो है ना, फुका को इसलिए जो है वो मुश्तहिद इस्तिंबात का मतलब ही होता है कि वो इस जमीन के अंदर छुपा हुआ पानी उसको निकालना, क्योंकि मुश्तहिद जो है मसला जो है वो जाहिर करता है, बनाता नहीं है, पैदा नहीं करता। जैसे नबत कहते हैं ना, इस्तिंबात कहते हैं पानी जमीन से निकाल, अब बोरिंग करके जो पानी निकालता है आदमी, तो बोरिंग करके अल्लाह का पैदा किया हुआ पानी जाहिर करता है, खुद पानी पैदा नहीं करता, लेकिन वो बोरिंग के प्रोसेस का जो बाहर है वो बोरिंग करके जिससे पानी निकाल लेता है, और देखो लो जी पानी, और टूटियां चल गई, नलके चल गए, आगे दुनिया ना पहुंचा रही। बिल्कुल मुश्तहिद जो होता है वो अल्लाह अल्लाह के रसूल की जो नस होती है उसी नस में से ही मसला निकालता जो अंदर छुपा हुआ होता है, और वो अल्लाह रसूल ने उसके अंदर जो रखा होता है जिसको ये जाहिर कर देता। इसलिए मुश्तहिद को अब नया दीन बनाता नहीं है, दीन बताता है। मुझे दीन बनाता नहीं, बताता है कि अल्लाह ने इस आयत के अंदर यह मसला छुपा रखा है, नबी की इस हदीस ही के अंदर यह मसला छुपा हुआ है जिसको मैंने जो जाहिर करके तुम्हारे सामने रख दी। तो इस आयत पर जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इतना ज़बरदस्त जो है वो मसले का हल पेश कर दिया कि जनाब वो इस हाल में अगर चबा के चख के जो है वो थूक दे तो उसके बाद रोज़ा फासिद नहीं होगा।